आफत हमारी जो वेब सीरीज है ये एमएक्स प्लेयर पे है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री है, मुफ्त है। जैसे मैंने कहा है कि हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है फ्री की चीज़ें, तो डाउनलोड करके देख लीजिए। या तो मतलब 175 मिनट की हमारी सीरीज है, पूरी 6 एपिसोड की, तो मतलब लगभग लगा लो कि एक फिल्म में जितना आप टाइम लगाते हैं उतना ही टाइम आपको ये वेब सीरीज देखने, पूरी सीरीज देखने में लगेगा। आई थिंक इट्स टाइम अब के दुनिया को, मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी को अच्छी चीज़ें फ्री में मिलना शुरू हो। Absolutely. मतलब जरूरी नहीं है हर चीज़ का यू नो एक मोल हो, अच्छी चीज़ें भी। टारगेट एक्चुअली एमएक्स प्लेयर का जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ओटीटी का ओरिजिनल ओटीटी है, तो ये उनका टारगेट था एक्चुअली। दे द होल द टैगलाइन इज की मनोरंजन आपके मन का, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स एवरीटेनमेंट, मतलब कुछ भी आप जिस भी चाहिए आपको, जो भी मूड में है उस मूड के लिए आपको कुछ मिलेगा उस पर। बेसिकली वो किरदार एक्चुअली फैजा चोपड़ा का जो मेरा किरदार है, वो किरदार थोड़ा वैसा है, थोड़ा मुफट है, बट वो ही नहीं है उसके किरदार में। मतलब वो जो पली बड़ी है उसके सिंगल पेरेंट रहे हैं, तो उन्होंने उसको पाला बड़ा है, तो शी हैज़ एम्बिशियस, उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है। बेसिकली मारी हुई आर्टिस्ट है, जैसे आर्टिस्ट होता है ना, उसको करना है कुछ लाइफ में। वो है, उसको लग रहा है कि यार मुझे कहाँ फंसा रहे हो, मुझे नहीं पढ़ाना है बच्चों को, मुझे तो अपनी पोएट्री करनी है, मुझे लिखना है। सो यू नो दैट्स वेयर हर स्ट्रगल इज, यू नो, एट होम। So that all thing comes out when she writes poetry. I really hope so, क्योंकि अभी तक जो भी हमें reviews आए हैं, fans have been really really good to me, and thank you and all the love to my fans. You know, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया है, और people are watching it, वो लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग है, you know, तो मुझे बहुत लोग ऐसे messages भी आ रहे हैं कि trailer में अलग लग रहा था, but you know, कुछ scenes ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा लगता है कि you know, कि आपके father के साथ जो कुछ scenes हैं, so I think the journey has been very very good, बहुत अच्छा, मतलब अभी तक रहा है। I've done so many films, television, theater, तो वो सारी चीज़ें थिएटर से याद है, मेरा कल शो है। वी हैव एन ओपनिंग टुमारो, हेलो जिंदगी हमारा शो है जो कल आने वाला है, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली हमारा पहला ऑफकोर्स क्योंकि थिएटर का ये भी हब है, तो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा शो। मेरे रिलेटिव्स मुझे बिल्कुल नहीं बोलते ये मत खाओ, ये मत पहनो, इधर मत जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता मुझे। इनफैक्ट अब तो शादी के लिए भी कोई कुछ नहीं बोलता, बोलता है बेटा तुम्हारी मर्जी है, ढूंढ लो, कोई कर लो अपने आप, हमको टेंशन मत दो। अरेंज मैरिज वाला सिनेरियो है ही नहीं।